अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक खातून ने ये कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों में नहीं है महंगाई को रोकना, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही कहा था, और डीजल और पेट्रोल के दाम भी कंट्रोल करना इनके हाथ में नहीं है ये कहा था, और बहुत सारे चीज़ें कही थी। तो इस बहन ने सारी तफसीलात बताई है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कहना है कि महंगाई सरकार के हाथ में नहीं है, बेरोजगारी भी सरकार के हाथ में नहीं है, और अब उन्होंने कह दिया है कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम भी सरकार के हाथ में नहीं बल्कि राज्य सरकार के हाथ में है। बिजली भी पिछले कई दिनों से 10-10 घंटे तक नहीं रह रही है। सरकार का कहना है कि बिजली देना भी सरकार के हाथ में नहीं है, तो गोबर भक्तों से मेरा प्रश्न है कि सरकार के हाथ में आखिर है क्या। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।